वहीं 1968 को अमेरिकी नौसेना की परमाणु पनडुब्बी यूएसएस स्कॉर्पियन भूमध्य सागर में एक मिशन से लौट रही थी, मगर अचानक वो शांत हो गई और नॉरफॉक वर्जीनिया में अपने होम पोर्ट पर कभी नहीं पहुंची। तो गाइस, स्कॉर्पियन और उसके 99 क्रू मेंबर्स के साथ आखिर हुआ क्या, आइए देखते हैं। लेकिन प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। खैर, इस पनडुब्बी के गायब होने के बारे में कई अनुमान और थ्योरीज हैं, जैसे पहली कि ये किसी सोवियत सबमरीन या नेवल माइन द्वारा डूब गई, क्योंकि स्कॉर्पियन सोवियत बेड़े के पास काम कर रही थी और हो सकता है उसका पता लगाकर उस पर हमला कर दिया गया हो। वहीं एक दूसरी थ्योरी में स्कॉर्पियन पर किसी न्यूक्लियर एक्सीडेंट का अनुमान लगाया गया, क्योंकि उस वक्त सबमरीन पर 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स और 15 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद थे, जबकि बैटरी चार्जिंग के दौरान हाइड्रोजन विस्फोट, सबमरीन के अंदर टॉर्पीडो का फटना, स्ट्रक्चरल डैमेज और सोवियत अटैक जैसी बहुत सी थ्योरीज दी गई। मगर अक्टूबर 1968 में स्कॉर्पियन का मलबा मिलने के बाद ये सभी थ्योरीज गलत साबित हो गई, क्योंकि पनडुब्बी पर किसी भी तरह का डैमेज या रेडिएशन लीक नहीं हुआ था। और आज भी रिसर्चर्स वास्तव में ये पता नहीं लगा पाए हैं कि उनके साथ आखिर हुआ क्या।